हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का 5वां अध्याय। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणनाघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान श्री लता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणामामि। हरि प्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाञ्छालं पंगुं लंघयते गृह्यत कृपातमहं वंदे परमानंदमार्गं श्री गुरु दीनतारिणं श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट श्लोका से। तो फर्स्ट श्लोका में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछता है उसको सुनेंगे और भगवान उसका क्या उत्तर देते हैं वो भी सुनेंगे। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससी यत् श्रेयस एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। है ना, क्या बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म को त्याग करने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, और क्या आप मुझे कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। अभी भगवान ने एक्चुअली अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अर्जुन को तो बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन मैं जब भी अर्जुन बोलूं तो हमें यह समझना चाहिए कि ये हमारे लिए है। ठीक है, हमारे लिए क्या कि हमें कुछ समझ में नहीं आता। भगवद गीता अपने आप पढ़ेंगे ना तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। भगवान पहले बोल रहे हैं कर्मयोग करो, फिर बोल रहे हैं ज्ञान करो। मतलब क्या भगवान कंफ्यूज कर रहे हैं क्या हमको? क्या भगवान हमें कंफ्यूज करना चाहते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए भगवान ने 5वां अध्याय बोला। अर्जुन ने प्रश्न पूछा ना, एक प्रश्न व्यक्ति कौन पूछता है? जो ध्यान से सुन रहा होता है, सबमिसिव है, जो लिसनिंग करता है। तो ऐसा वो व्यक्ति जिसके उसके मन में जो भी संशय होते हैं वो व्यक्ति प्रश्न पूछता है। जब वो प्रश्न पूछता है तो वो इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाता है। हालांकि प्रश्न सेवा भाव से पूछने चाहिए। जैसे हमने 4वें अध्याय में देखा ना, तद्विधि प्रणीपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशंती ते ज्ञानम ज्ञानीनाम तत्वदर्शिनम। है ना, हमें प्रश्न पूछना है लेकिन कैसे? विनित भाव से प्रश्न पूछना है, ना कि चैलेंजिंग मोड में। अगर हम किसी भी वस्तु का उत्तर खोजेंगे और उसे चैलेंजिंग मोड से प्रश्न पूछेंगे ना, हम कभी भी उसे सबमिसिव नहीं हो पाएंगे और कभी भी हमें उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि ज्ञान के साथ कर्म करूं या कर्म फल क्या, उसके पता नहीं चल रहा है कि ज्ञान के साथ कर्म करने से कर्म फलों के बंधन से कैसे छूटा जा सकता है। अर्जुन अपना मोह में पड़ गया थोड़ा बहुत, और उसे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि भक्ति के साथ कर्म कैसे संबंध किया जाता है और भक्ति के साथ कर्म करने से व्यक्ति कैसे कर्म फलों में नहीं बनता, और ज्ञान मतलब भक्ति में ज्ञान के साथ कर्म कैसे करना है। तो उसको ज्ञान और विज्ञान दोनों बोलता है। मतलब ज्ञान क्या है? श्रवण करना, नॉलेज लेना। और विज्ञान क्या है? श्रवण को अपने जीवन में उतारना, यानी भक्ति में सेवा करना। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है, जाप करना है, ये ज्ञान है। आपको ज्ञान मिल गया, लेकिन अभी हमें उस ज्ञान को क्या करना है? अपने जीवन में उतारना है, श्रवण कीर्तन करना है। श्रवण किया उसका कीर्तन करना है, भक्ति में सेवा करनी है। तो ये विज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे। आज हम 7 श्लोक करेंगे। कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैराग्य की बात भी होगी, संन्यास की भी बात होगी। तो पहले 7 श्लोक आज हम करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेंदी हो सकता है, लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। तो कृपया ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा भगवद्गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्व किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्मबंधन से मुक्त करती है। देखिए, श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं ना कि भक्तिमय कर्म जो है वो शुष्क चिंतन, यानी उस ज्ञान से, ज्ञान चाहिए लेकिन मनोज्ञान नहीं चाहिए, मनोधर्म वाला ज्ञान नहीं। ज्ञान प्रभावी गुरु के
प्रामाणिक गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए शास्त्रों का, ठीक है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने क्या बताया कि आत्मा का ज्ञान क्या है, शरीर क्या है, ये बताया। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग के बारे में बताया। चौथे अध्याय में भगवान ने दिव्य ज्ञान बताया। इस तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद बताएंगे, देखो कि द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर के संबंध ज्ञान, सामान्य ज्ञान बतला गया। उसे बुद्धि योग अर्थात मुक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी कोई कार्य नहीं करने, ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करते पड़ते। चतुर्थ अध्याय में बताया कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का प्रयास पर्यायवासन वसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय में अंत में भगवान अर्जुन को सलाह दिए कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करो। अभी भगवान क्या बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में अगर हम देखें तो भगवान ने क्या बताया कि शरीर और आत्मा क्या है, भगवान ने बताया ना। लेकिन सिर्फ ये जान लेना इनफ नहीं है, ये जानने के बाद उसको उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना, ये तभी आप मुक्ति के पथ पर पहुंचोगे, तभी आप कर्मबंधन के फलों से ऊपर उठ सकते हैं हम लोग। अतः इस प्रकार एक साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन से ये संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अभी ये भगवान बता रहे हैं ना, मैंने कहा ना अर्जुन, भगवान अर्जुन को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली। तो अर्जुन के मन में प्रश्न है, थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा, तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है कि इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यों पर का परित्याग। अभी अर्जुन क्या समझ रहा है कि इंद्रिय तृप्ति के जो भी कार्य हैं उसको परित्याग करो, वो करना नहीं है। लेकिन उसको ये पता नहीं चल रहा है कि जो इंद्रिय तृप्ति में कार्य नहीं करेगा फिर भी एक व्यक्ति है, वो कार्य किए बिना कभी रह नहीं सकता, ठीक है। वो तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि कोई भी व्यक्ति एक सेकंड के लिए भी कार्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो अर्जुन ये समझने नहीं रह सकता, कर्म फल जिसमें मिलते हैं वो कार्यों का परित्याग करना अर्जुन ये समझ रहा है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। दूसरे शब्दों में वह सोचता है, हम भी यही समझते हैं, लेकिन इसका उत्तर भगवान आगे श्लोकों में बताएंगे, ठीक है। किंतु यदि कोई भक्ति योग में कर्म करता है तो फिर कर्म का विकास किस तरह त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो उसे कर्म तथा ज्ञान का असंगत से लगे रहते हैं। अभी अर्जुन, हम लोग यही सोचे ना, देखिए कि दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को भी सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए। हम ये सोचते हैं हमें सभी प्रकार ज्ञान हो तो हमें सभी प्रकार से घर बार छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसका आगे आगे खंडन करेंगे, ठीक है। के ऐसा लगता है कि वह ये नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी में न मुक्त होने के कारण अकर्म है के ही तुल्य है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, युक्त वैराग्य कहते हैं। आगे श्लोक में हम समझेंगे कि ऐसा लगता है कि अर्जुन ये समझ नहीं पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म, ठीक है, बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के तुल्य है, यानी कर्म न किया उसके बराबर है, ठीक है। अतः वह पूछता है कि सभी प्रकार के कर्म त्याग दें या पूर्ण ज्ञान से होकर युक्त कर्म करें। अभी वो क्या पूछ रहा है कि सभी प्रकार के कार्य कर त्याग दूं, अर्जुन का यही प्रश्न है ना, या ज्ञान पूर्ण कार्य करूं। तो अर्जुन को भगवान है ना दूसरे श्लोक में जवाब दे देते हैं, क्या दे देते हैं कि ज्ञान पूर्वक कार्य करना चाहिए, बताएंगे। देखें दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगेश्च निःश्रेयस कराभुभो तयो स्यु कर्म संन्यास युक्त कर्म योगो विशिष्य। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अभी इन दोनों में से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, क्या है कि हमें ज्ञान आ गया कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं हूं, लेकिन भक्ति में कार्य करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, तो क्या होगा कि मैं है ना, ये कार्य श्रेष्ठ है संन्यास से। संन्यास यानी सब कुछ त्याग कर दिया, उससे श्रेष्ठ क्या है कि आप इस संसार में रहते हुए भी क्या करोगे, भगवान के लिए कार्य करोगे, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। मुझे तत्कालीन एक श्लोक स्मरण हो रहा है नेक्टर ऑफ डिवोशन से, भक्ति रसामृत सिंधु से, कि अनासक्त विषयान यथारम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। अनासक्त विषयान, हर किसी वस्तु से जो भी इंद्रिय विषय है उसे अनासक्त रहता है, परंतु वो क्या करता है, यथारम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंध, जो भगवान कृष्ण के संबंध में भक्ति में काम आती है वो वस्तु को भगवान कृष्ण के साथ लगाता है, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, वो व्यक्ति क्या है, युक्त वैरागी है। युक्त वैरागी,
चार प्रकार के वैराग्य हैं, पांच प्रकार के, चार प्रकार के फल्गु, चार प्रकार के, पांच प्रकार के अलग अलग वैराग्य हैं। उनमें से एक वैराग्य है युक्त वैराग्य, वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि फल्गु वैराग्य क्या होता है कि आपने टीका लगा दिया है ना, सब कुछ वस्तु छोड़ दी, लेकिन मन तो इंद्रियों विषयों में चिंतन कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो फल्गु वैराग्य है। दूसरा होता है मर्कट वैराग्य। मर्कट वैराग्य की कंपैरिजन बंदर के साथ की गई है। बंदर यानी क्या करता है, नग्न घूमता है, यानी सब कुछ त्याग दिया उसने, छोड़ता है इस डाली से उस डाली, भटकता रहता है पेड़ पे, लेकिन जब भी कोई मादा बंदर को देखता है तो उसको क्या होता है, उसके साथ संभोग करने की इच्छा होती है। ठीक है, तो इसी तरह हम सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन कोई भी इंद्रिय विषय देखते हैं तो फिर उसको भोगने की इच्छा हो जाती है, तो इसको बोला जाता है मर्कट वैराग्य। तीसरा है शुष्क वैराग्य। शुष्क वैराग्य नहीं, ड्राई, छोड़ो यार क्या करें, सब सब माया है, नहीं करना चाहिए हमें ये सब, ये शुष्क वैराग्य है। चौथा है श्मशान वैराग्य। श्मशान वैराग्य यानी कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता है कि हम उस श्मशान यात्रा में जाते हैं और लोग बातें करते हैं ना, क्या लेके गया ना, देख अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बेटर है भगवान की भजन में लगना चाहिए। फिर घर पे आता है, सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो भूल जाता है मैं भी मरने वाला हूँ, उसको सिर्फ श्मशान यात्रा तक, सामने वाले व्यक्ति तक याद रहता है कि ये श्मशान वैराग्य है, हाँ, तो वह घर पे आके सब कुछ भूल जाता है। लेकिन चौथा वैराग्य है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब मैंने बताया ना, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते, यानी संसार में रहता हुए भी जो भी वस्तुएं, अनासक्त रहता है सब वस्तुओं से, आसक्त अटैच नहीं रहता, परंतु जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की सेवा में लगाता है, वो युक्त वैराग्य है। जैसे कोई फेसबुक यूज कर रहा है, कोई कोई यूट्यूब यूज कर रहा है, वो किसके लिए यूज कर रहा है, भगवान के प्रचार के लिए यूज कर रहा है, अपने बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर रहा है। जो भी पोस्ट करेगा भगवान के प्रचार के लिए पोस्ट करेगा, वो फेसबुक से अनअटैच है, मतलब अटैच नहीं है, ठीक है, फेसबुक से अनासक्त है, परंतु फिर भी वो फेसबुक यूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो भगवान के प्रचार के लिए यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं क्या है, युक्त वैराग्य। जैसे एक व्यक्ति को गाने की इच्छा है ना, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन गाता है, तो वो युक्त वैराग्य है। ठीक है, तो ये युक्त वैराग्य है। इसको श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं, देखते हैं। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक स्तर के बढ़ाने स्तर को बढ़ाने के लिए उद्देश्य में कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीर के देहांतरण में के भवबंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि श्रीमद भागवतम में हुई है। यानी जब तक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है ना, तब तक वो उसका क्या है, भवबंधन का कारण है ना। 84 लाख युन में पुनरअपि जनरम पुनरअपि मनरम पुनरअपि जठरा पुनरअपि शयनम है ना, बराबर है ना, पुनरअपि जनरम पुनरअपि मननम है ना, हर बार माँ के गर्भ में आके उसको जन्म लेना पड़ता है। तो लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं, वे ये नहीं जानते कि उनके कलुषों से युक्त यह शरीर विगत सकाम कर्मों का फल है। यानी वो नहीं जानते कि ये जो शरीर मिला है हमारे प्रीवियस कर्मों का फल के हिसाब से हमें शरीर मिलता है, उस हिसाब से हमें उसका मिलता है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता है, अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयकर नहीं है। जैसे कि शरीर नाना प्रकार के कष्ट कैसे देता है, जैसे कि आपको डायबिटीज है, ठीक है, आपको बोला जाए कि आपको मीठा नहीं खाना, फिर भी आप मीठा खाओगे तो शरीर कष्ट देगा, क्योंकि शरीर तो नाशवान है परंतु जब तक है तब तक कष्ट देता है। ठीक है, जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है। जब तक मनुष्य जीवन किसके लिए है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, वो जब तक आदमी नहीं जान लेता, इंक्यूजिटिव नहीं होता है ना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं ना वेदों का पहला श्लोक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब तक वो अपने मनुष्य शरीर का मेन उद्देश्य क्या है वो नहीं समझता, तब तक वो व्यक्ति क्या है, दुख ही भोगता रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उसका, एक्चुअली मेरा यूट्यूब पे लेक्चर है, 8-9 मिनट का है, 7 मिनट का, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, जब तक मनुष्य अपने स्वरूप को जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। मैंने बताया ना पुनरअपि जनरम पुनरअपि मननम, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है, अलग अलग योनि में जन्म लेता है। भले ही वह उसका मन सकाम कर्म में व्यस्त रहे और अज्ञान से प्रभावित हो, किंतु वह वसुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, केवल तभी वह बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त होता है। अभी इसमें एक लाइन बहुत अच्छी है,
कि भले ही वह उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त हो, अज्ञान के और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु वह वसुदेव, मतलब है ना, एक एक सिंपल सा मैं उदाहरण दूंगा कि हम लोग बोलेंगे यार मैंने पाप किया, अनजाने में पाप किया, लेकिन अगर आप अनजाने में भी पाप करते हो तो आपको उसकी सजा मिलती है। क्यों? क्योंकि आप कर्मों के बंधन में फंस जाओगे, क्योंकि आपने किसी को मारा, सपोज एक मच्छर को मारा आपने, तो मच्छर को मारा तो उसके अंदर हुए परमात्मा क्यों है ना, परमात्मा क्या कर रहे हैं उसके अंदर, एंजॉय कर रहे हैं एज एज, क्योंकि उसके अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों है, ठीक है, एक अणु आत्मा और एक है ना विभू आत्मा, दोनों है उसके अंदर, ठीक है। हमारे हृदय के अंदर दो आत्मा, एक हम खुद और एक परमात्मा एज ए चैत्य गुरु। तो हम किसी मच्छर को भी मारते हैं तो हमने है ना भगवान के एंजॉयमेंट को क्या किया, हमने है ना ये किया, क्षति पहुंचाई है, क्योंकि भगवान एंजॉय फ्लाई कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की तरह, ठीक है, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो हम सोचेंगे यार हमने तो मच्छर को मारा, हमें कर्म बंधन में क्यों फंसे, हम तो अज्ञानतावश मार दिए मच्छर को। नहीं, क्या होता है कि अगर एक सिंपल भौतिक उदाहरण देता हूं मैं आपको, अगर आपको ट्रैफिक सिग्नल पार कर लिया आपने रेड लाइट, ठीक है, और ट्रैफिक सिग्नल छोड़ो, मैं ये गाड़ी का ही एग्जांपल लूंगा, जैसे हमारे दुबई में है, दुबई में क्या है, लेफ्ट हैंड ड्राइव है, लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव है, आप नए नए आए और आप राइट हैंड साइड ड्राइव करने लग गए, ठीक है, रॉन्ग ट्रैक पे वन वे में ड्राइव करने लग गए, तो आपको क्या फाइन मिलेगा? जब फाइन मिलेगा तो आप बोलोगे मुझे तो पता नहीं था, तो मैं मुझे छोड़ दो प्लीज, वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको फाइन तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गलती की है। तो उसी तरह क्या है, आप आग है, आग आग आपको पता हो नहीं हो आपको जलाएगी, है ना, एक एक बच्चे को पता नहीं होता कि आग मुझे जला देगी, एक पतंगे को पता नहीं होता है ना, एक पतंगा होता है छोटा है ना, जुगनू, जुगनू क्या करता है, दूर से आग को देखता है, बोले बहुत मेरे से भी ज्यादा चमक रही है, मैं आग उसमें जाके और चमकीला हो जाऊंगा, तो वो क्या करता है, उसके अंदर घुसता है और खत्म हो जाता है। तो इसी तरह एक बच्चे को आग में हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा वो पता नहीं होता, फिर भी वो आग में हाथ डालता है, जल जाता है। इसी तरह हम प्रकृति के नियम है, उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के प्रति और अन्य जीवों के प्रति अपराध करेंगे और पाप करेंगे तो भी हमें उसका फल मिलेगा, ठीक है। तो हमें ये कार्य समझ के करना चाहिए। अगर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जैसे अर्जुन कृष्ण की सेवा करते हुए युद्ध कर रहा था, तो उसके रथ के नीचे हजारों कीड़े मकोड़े आके मर भी गए होंगे, लेकिन उसको उसका पाप नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने कृष्ण के ऑर्डर से क्या कर रहा था, युद्ध कर रहा था, तो उसका पुण्य और पाप का जो भी है, फल का जो भी, वो उससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा था, उसकी टेक केयर क्या करते हैं, उसका देखभाल भगवान श्री कृष्ण कर रहे होते हैं। तो ये हमें समझना है, ठीक है। अभी भगवान श्रील प्रभुपाद ये कोट करते हैं कि जब मुक्ति मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझ कर उनका परित्याग करते हैं, उससे उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। अभी मुक्ति कामी व्यक्ति जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं कि भगवान से कोई भी संबंधित वस्तु को भी परित्याग कर देते हैं, और वो क्या समझते हैं, उनका संन्यास, वो संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन ऐसा संन्यास क्या है, अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हुए हैं, वो सिर्फ संन्यास ग्रहण कर लिया लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगे हैं। इस्कॉन के सन्यासी क्या है, उन्होंने संन्यास इसलिए लिया कि और ज्यादा सेवा कर सकें भगवान की, ठीक है ना। तो इन दोनों में संन्यास में भी फर्क है, ठीक है। त्याग और संन्यास 18वें अध्याय में है, उपसंहार संन्यास, ठीक है, संन्यास की सिद्धि। तो त्याग और संन्यास में बहुत फर्क है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, भुक्ति मुक्ति कामी सिद्धि सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। यानी भगवान भुक्ति, जो भुक्ति करता है, भोगना चाहता है, मुक्ति करता है, जो कामी है, जिसकी काम वासना की इच्छा है, और जो सिद्धि है, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, वो सब देखें तो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण भक्त निष्काम रहता है। निष्काम रहता है क्यों? क्योंकि वो उसको ना वस्तुओं से अटैचमेंट है और ना ही उसको वस्तुओं के प्रति, जो कार्यों के प्रति जो फल आएगा उसके साथ वो अटैच्ड है। वो तो कार्य के प्रति जो फल आते हैं वो भी भगवान को देता है, इसीलिए वो क्या करता है कि वो अनअटैच रह के भगवान की सेवा करता है, और जो भी वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कर्म करते हुए भी अकर्म कर रहा है, वो अटैच नहीं है, इसीलिए वो व्यक्ति कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, इसीलिए वो शांत है, ठीक है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब तक ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की और कोई भी वस्तु वास्तविक स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः वह मनुष्य को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है ना। उसको ये समझना चाहिए, वो ज्ञान आपको हो गया कि मेरी वस्तु कुछ है ही नहीं, कुछ मेरा है ही नहीं, तो संन्यास की बात ही कहाँ आती है,
ठीक है, क्योंकि जो भी वस्तु आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहे हो, अपने भोग के लिए नहीं लगा रहे हो, तो संन्यास की बात ही नहीं आती। ठीक है, जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण है, वह नित्य संन्यासी है। ठीक है, आ गया ना, जो ये समझ लेता है कि हर संपत्ति, हर जो भी व्यक्ति है, जो भी वस्तु है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी संन्यासी है। उसको अलग से संन्यास ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो वस्तु है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की और उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। आ गया, देखिए, ठीक है, कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होकर उसका प्रकार पूर्ण कार्य मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। मायावादी आते हैं ना, वो सिर्फ ज्ञान ग्रहण करते हैं और ज्ञान लेते हैं और ज्ञान देते हैं, लेकिन वो भगवान के जो वस्तुएं हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचित यत किंचित जगतियम जगता तेन त्यक्ते न भुंजिता माँ गृद कस्य स्वदम धना, है ना, हमें उतना ही यूज करना चाहिए जितना हमारे लिए हमारा कोटा है, अदरवाइज हमें सब लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, ईशो उपनिषद का पहला मंत्र है। अभी भगवान आगे तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। अभी भगवान बता रहे हैं सन्यासी कौन है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर बंधन को पूर्णतया पार कर सकता है, है ना। अभी सन्यासी कौन है, भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की सेवा छोड़ के आत्मज्ञान बताते हैं, वो फिलोसॉफी बताते हैं, ऐसा व्यक्ति सन्यासी नहीं है। क्या, जो 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 जैसे मैंने बताया ना, मायावादी, ठीक है, लेकिन वो कर्म फलों से घृणा नहीं करने का मतलब क्या है। कर्म फलों से घृणा नहीं करता मतलब क्या है, कर्म फलों से घृणा का मतलब है कि वो ये सोचता है कि हर व्यक्ति, हर वस्ति भगवान श्री कृष्ण की है, भगवान के भक्त के, भगवान यहाँ अपने भक्तों के लक्षण बता रहे हैं ना। कर्म फलों से ज्यादा वो नहीं होता, क्या, अटैच नहीं होता, वो कर्म फल भी भगवान श्री कृष्ण को लगाता है। वो ज्यादा छल कपट नहीं करता, है ना, वो छल कपट नहीं करता। घृणा और कर्म फल दोनों से इच्छा मुक्त, दोनों की इच्छा से मुक्त रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि वो जो भी कर्म फल आता है उसको वो भगवान के, भगवान की सेवा में लगाता है। ठीक है, इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है, न ही उसकी आकांक्षा करता है, कर्म फल की आकांक्षा नहीं करता। मतलब वो क्या है, वो कर्म फल जो है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है कृष्ण के साथ, क्या स्थिति है उसकी, कि मैं भगवान का दास हूं और मुझे हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक, वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है, है ना। वो जानता है कि मेरा जो उद्गम है, अहम बीज प्रदापिता भगवान बोलते हैं ना, और भगवान बोलते हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूत सनातन, आप सब मेरे जो भी है जीव है, सब मेरे नित्य अंश है और वो मेरे दास है। ठीक है, वह भली ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है और वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तदात्मय की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश और अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। अंश और अंशी एक दूसरे, यानी परमात्मा और आत्मा, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता। बहुत सारी धारणाएं, लोग आते हैं बोलते हैं तुम आओ मैं तुम्हें भगवान बना दूंगा। अगर उनसे पूछो कि आप मुझे भगवान कैसे बना देंगे, अगर मैं भगवान था तो मैं कैसे भूल गया कि मैं भगवान हूं, बोले क्योंकि माया का प्रभाव पड़ा ना, इसलिए आप भूल गए कि आप भगवान है इस धरती पे आके। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न उनसे क्या होना चाहिए पता है, अगर माया के प्रभाव से मैं खुद भूल गया कि मैं भगवान हूं, तो मतलब मुझसे श्रेष्ठ, भगवान से श्रेष्ठ तो माया हो गई, तो फिर मैं माया क्यों ना बनूं। ठीक है, तो ये समझ में, ये उन लोगों को क्वेश्चन करने के लिए कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि हम भगवद गीता का एज इट इज ज्ञान, यथारूप ज्ञान लेते नहीं है। तो अगर हम ऐसा ज्ञान लेंगे तो उनको हम क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, वो उनको उसी तरह उधर ही हम ध्वस्त कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पाखंडी लोगों को। ठीक है, यह ज्ञान एकता के गुणों से न होकर गुणों की मात्रा सही दिव्य ज्ञान है, जिससे मनुष्य अपने आप को पूर्ण बनता है और जिससे न तो वह किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है न ही शोक रहता है ना। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति सम सर्वेशु भूतेषु मद भक्ते लभते परम। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो गया है, वो क्या, किसी वस्तु से न तो घृणा करता है, न सोचता है उसके बारे में, और न कांक्षति, न उसके बारे में इच्छा करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने मेरे मेरे मुझ भक्त मेरी भक्ति को मद भक्ते लभते परम, है ना, वो समा सर्वेशु भूतेषु सब वस्तु को एक जैसा देखता है और
क्या करता है कि मुझे मेरी भक्ति को प्राप्त करता है, मेरी भक्ति के परायण है। अभी अगला श्लोक है, अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न समझते हैं। जो वस्तु तो अज्ञानी है वह कहते हैं कि जो इनमें किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों का फल प्राप्त करता है। अज्ञानी लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूं कि सिर्फ परित्याग कर दूं कर्मों का और दोनों करूं तो भी मैं ना करूंगा, लेकिन वो अज्ञानी है, वो ये नहीं समझ पाता कि ज्ञान के साथ साथ सेवा करना जरूरी है। वो सिर्फ ज्ञान लेके आगे बैठना चाहता है और भगवान में तादात्म्य होना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो हमें क्या करना है, ज्ञान के साथ भगवान की सेवा करनी है ना। ज्ञानी और भक्ति दोनों क्या है, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहते हैं, परंतु ज्ञानी क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार की ओर नहीं बढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हमें भगवान की सेवा करनी है ना, उन्हें पता ही नहीं है। उसको ज्ञान का अनुभव कैसे होगा ना, कि ये ज्ञान हुआ उसका अनुभव कैसे होगा, उसका अनुभव सेवा करके होगा। ठीक है, जब उसका अनुभव सेवा करके आएगा तभी हमें पता चलेगा जो मैंने ज्ञान लिया है वो सही है। जब तक अनुभव नहीं आएगा तब तक हम उस ज्ञान को, उस ज्ञान के हिसाब से अगर हम सेवा नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं। ठीक है, तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि दोनों मार्ग एक ही तरफ जाते हैं। ठीक है, तो भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है, भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। देखो आ गया ना, सेवा, सेवा को कॉन्टेक्स्ट चल रहा है यहाँ पे। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसके सींचा जाता है। ठीक है, ज्ञान से क्या किया जाता है, वृक्ष की जड़ को खोज सकते हैं। ठीक है, लेकिन विज्ञान यानी सेवा करेंगे तो क्या, वृक्ष की जड़ को सींचना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। हमें ज्ञान तो हो गया कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो लेकिन उसके प्रति उस हिसाब से हमें उस हिसाब से कार्य करना है। तो जब हम ये समझ जाएंगे और उस हिसाब से कार्य करेंगे तो क्या होगा कि हम उस वृक्ष की जड़ को पानी दे रहे हैं, आत्मा को भरण पोषण करते हैं, है ना। जैसे खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुद्धि सही होती है, हमारा शरीर में बल आता है। ठीक है, उसी प्रकार भक्ति परेशानु भावो, अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा, हमारे आत्मा को पोषण मिलता है। ठीक है, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत का मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है। अतः वह मूल, इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, है ना। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि ये एक नहीं है, लेकिन एक ही है। ठीक है, किंतु जो विद्वान यह जानता है कि इन दोनों में भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। अभी एक कैसे है कि दोनों विधियों का उद्देश्य एक है, है ना। दोनों का मेन पर्पस क्या है, आत्म साक्षात का, लेकिन दोनों का विधि अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग एक ही है। ठीक है, अभी पांचवा है कि जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। ठीक है, इसका मैंने दोनों बता दिया एक साथ, चौथा और पांचवा श्लोक। अभी छठा श्लोक करेंगे कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने में कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अभी भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भक्ति में लगे बिना कोई भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। जैसे मायावादी लोग हैं, मायावादी लोग क्या करते हैं, केवल ज्ञान में पड़े रहते हैं, सेवा नहीं करते। लेकिन एक वैष्णव सन्यासी जो है वो क्या करता है, वो भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो भगवान के प्रति अपना कृतज्ञ होता है, वो भगवान के प्रति अपनी सेवा हर 24 घंटे करता है, उनका नाम जप के उनका प्रचार करके वो क्या करता है, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है। ठीक है, इसका सन्यासी का यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दो प्रकार के सन्यासी होते हैं उसको बराबर बता रहे हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं, एक मायावादी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं और दूसरा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। देखिए आ गया ना, मैंने बताया ना, एक मायावादी सन्यासी जो सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ ज्ञान लेता है, भगवान की सेवा नहीं करता, और जिसमें आते हैं ब्रह्मा कुमारी लोग, हालांकि वो तो शास्त्र भी नहीं पढ़ते लेकिन वो सिर्फ ज्ञान के पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, भगवान की सेवा नहीं करेंगे, वो कृष्ण अर्जुन राम, कृष्ण राम नरसिंह देव किसी को नहीं मानते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ज्ञान ज्ञान में लगे रहते हैं और बोलते हैं ब्रह्म ब्रह्म, है ना।
हमें ब्रह्म में लीन होना है, ठीक है। लेकिन जो वैष्णव सन्यासी वो क्या करता है, वो भगवान के प्रति जो भी संसार में वस्तु है भगवान की सेवा में लगाता है, और वो एक्चुअली क्या है, भागवत दर्शन के अध्ययन में लगा रहता है और लोगों को प्रचार करता है। मायावादी सन्यासी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पंचरात्रिक विद्विक द्वारा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। देखिए आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। अंत वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा में लिए उनके प्रकार के कार्य करने होते हैं और उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं होता, किंतु तो भी वह भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है। वो भगवान के लिए नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, कहीं जाएंगे प्रीचिंग करेंगे, मोबाइल पे प्रीचिंग करेंगे, यूट्यूब पे प्रीचिंग करेंगे, हर जगह पे प्रीचिंग करेंगे। तो एक्चुअली में वास्तविक सन्यासी वो है जो 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 वस्तुओं को, संसारिक वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाता है। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं वह भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। आनंद नहीं उठा पाते यानी मतलब बताऊं, हमारा जो वैष्णव सन्यासी वो क्या करता है, भगवान को भोजन पका के भगवान को भोग लगाता है और प्रसाद का आनंद उठाता है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन मायावादी प्रसाद नहीं खाएगा, बोलेगा ये भी कर्म के बंधन में फंसाएगा, उसको उसका जो ज्ञान 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 की तरफ रहता है, वो सेवा नहीं करता, ठीक है। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। अभी ऐसे व्यक्ति लोग क्या करते हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम भी हाई लेवल बन जाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि श्रीमद् भागवतम एक्चुअली क्या कह रहा है, श्रीमद् भगवद गीता एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है। अभी लास्ट श्लोक का बता रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण इस ऐसे व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं क्या है। योग यक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मा आत्मना भूतात्मना कुर्वन अपि न लिप्यते। अभी इसमें एक एक शब्द को हम देखेंगे, है ना। योग युक्तो, योग युक्तो यानी बिजी है, मन से बिजी है, कार्य से बिजी है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में बिजी है, वैष्णवों की सेवा में बिजी है, हर वस्तु भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लगाता है ना, योग युक्तो। मैंने बोला ना क्या के निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैरागम उच्यते, योग युक्तो, ठीक है। फिर भक्ति पूर्वक काम कर रहा है ना। फिर सबको प्रिय है, सबको प्रिय है विशुद्ध आत्मा, विशुद्ध आत्मा यानी शुद्ध आत्मा है, वो सबको प्रिय है, ठीक है। तीसरा क्या है, विजित आत्मा, विजित आत्मा यानी उसका मन नियंत्रित है, उसके मन और इंद्रियां नियंत्रित है, क्यों, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। जितेंद्रिय, इंद्रियां भी वश में है, ठीक है, जितेंद्रिय। फिर कुर्वन अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, जो व्यक्ति ऐसे करता है वो कुर्वन अपि न लिप्यते, ऐसा व्यक्ति क्या करता है कि कर्म फलों के बंधन से ऊपर उठ जाता है, उसके कर्म फलों के बंधन में नहीं बनता। इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे और आज हम विराम देंगे। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। देखिए आ गया, ठीक है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता, कभी नहीं बंधता, क्यों, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। तो इसका एक एक शब्द मैंने जैसे बताया ना आपको कि योग युक्तो, योग युक्तो का मतलब श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत कर्म करने वाला व्यक्ति सबों का दास है, अतः वह हरेक को प्रिय होता है। पहले योग युक्तो कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति के पथ पर है वो जीव हरेक जीव को प्रिय होता है, प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। क्यों, क्यों प्यारा होता है, क्योंकि वो सबको अपने सबको है ना सबके अंदर आत्मा को देखता है, शरीर के लेवल पे नहीं सोचता, ठीक है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता। आ गया, देखिए सब में कृष्ण को देखता है, क्यों, क्योंकि वो जीवात्मा है, सब भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां और तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा अमावस्या को भोजन देने से स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। देखिए मैंने बताया ना कि शरीर को हम अगर खाना देंगे तो क्या होता है, पूरे शरीर को आप पेट में खाना डालेंगे तो पूरे शरीर को जैसे ना हुष्ट पुष्ट हो जाता है, जैसे जड़ में पानी डालेंगे तो फल आता है, पत्तियों को भी मिल जाता है पानी, ऊपर वृक्ष सींच जाता है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने की से क्या होता है, हर एक प्राणी की सेवा हो जाती है। तो तस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, ठीक है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कम करने वाला व्यक्ति सबों का दास है, अतः वह हर एक व्यक्ति को प्रिय होता है। प्रत्येक वस्तु के उसके कर्म के संपन्न प्रसन्न रहता है और उसकी चेतना शुद्ध रहती है। क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है तो अतः मन पूर्णतया नियंत्रित होता है। देखिए आ गया ना, मन पूर्णतया नियंत्रित, मन के नियंत्रित होने से उसकी इंद्रियां भी संयमित रहती है,
ठीक है, चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अतः उसके विचलित न होने का प्रश्न उठता ही नहीं है, उसके विचलित होने का प्रश्न उठता ही नहीं है, ना ही उसे कृष्ण के संबंध कथाओं का अतिरिक्त अन्य कार्यों में इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। उसके पास टाइम ही नहीं होता है ना, क्यों? क्योंकि वो 24 आवर्स क्या भगवान कृष्ण के बारे में सोचता रहता है, ठीक है, वो ऑफिस में भी जाएगा तो वो कृष्ण के बारे में सोचता है, ठीक है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। यहाँ पे एक श्रीमद् भागवतम में आता है, जो व्यक्ति कृष्ण कथा नहीं सुनता उसके कान क्या है, सांप के बिल के समान है। जो व्यक्ति कृष्ण की कथा नहीं करता है, कृष्ण का गुणगान नहीं करता है, कृष्ण का नाम नहीं जपता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंढक की तरह टर 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 करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये इसको है ना, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है वो क्या करता है कि उस कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता, लोगों की बुराइयां नहीं सुनना चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के ही अतिरिक्त अन्य कुछ ग्रहण नहीं करना चाहता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ग्रहण करता है और कुछ नहीं ग्रहण करता। ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा नहीं रखता जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होते हो, वो लोगों से ऐसे कृष्ण संबंधी कार्य न होते हो ऐसे जगह जाता नहीं, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित है वह किसी के प्रति अपराध नहीं करता। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, किसी के प्रति अपराध नहीं करता, ठीक है। इस प्रकार कोई प्रश्न नहीं हो सकता कि फिर अर्जुन क्यों अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था, वह तो कृष्ण भावना भावित नहीं था। वस्तुतः अर्जुन से ऊपर से आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है कि आत्मा के अवयव होने पर कोने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे, अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वह वहां पर तो स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए, अतः अर्जुन कृष्ण क्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वास्तविक युद्ध नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा था, ठीक है। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत रूप में आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कर्म बंधन में कभी नहीं फंसता, मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि उसके नीचे टायर के नीचे जो उसके रथ के नीचे कोई भी आ जाए, चींटी आ जाए, पेड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए और कोई जीव जंतु आ जाए, वो मर भी जाए तो भी वो कर्म बंधन में नहीं फंसेगा, क्यों? क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। हरे कृष्णा, आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, कृपया मुझसे कोई भी भूल हो तो मुझे क्षमा करें। आई होप आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा और मैं अपने हृदय को शुद्धिकरण के लिए ही बोल रहा था। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें।